बात करेंगे मैडर्मा क्रीम के बारे में, बहुत डिटेल में बताएंगे क्या होता है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोई भी चोट का निशान है तो आपको कब लेंगे तो ये फ़ायदा देगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। सो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैडर्मा जेल की बात की जाए, मैडर्मा क्रीम नहीं होता, ये जेल के फॉर्म में होता है। ये मार्केट में कई स्ट्रेंथ में होता है, जैसे कि इसकी जो है 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम की क्वांटिटी की उसमें पाया जाता है, और अलग अलग रेट होती है। जैसे कि 250, 5 ग्राम का इसका ट्यूब जो है लगभग 250 रुपये का आता है, बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। 10 ग्राम का लगभग आपको 500 रुपये मिल जाएगा, 500 या 485 ऐसा कुछ, तो बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। बिन मेडिकेयर कंपनी इसको बनाती है, ठीक है। और ये जो है एक प्रकार का OTC प्रोडक्ट भी है, इसको लेने के लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी जाके ले सकता है, ठीक है। कई लोग तो जानते होंगे कि भाई ये पुरानी चोटों को दूर करता है, निशान को गायब करता है, तो जाहिर सी बात है निशान को तो गायब करता है, जो भी स्कैर्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। नंबर वन डॉक्टर चॉइस होती है ये जेल। अब बात करें कि भाई ये किस किस कंडीशन में और कब यूज़ किए जा सकती है, फिर समझेंगे इसकी कंपोजिशन। तो होता क्या है कि ये हमारे स्किन के कलर और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ये यूज़ है। नॉर्मली भी अगर आपको इंजरी का चोट का निशान नहीं है तब भी आप यूज़ कर सकते हो, स्किन का कलर और उसका टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है, ठीक। साथ में क्या करता है कि स्कैर जो होते हैं उनको रिमूव करता है। किस किस तरह के स्कैर, सर्जरी हुई है आपकी, टाँके वगैरह डले हैं या किसी भी तरह की, आपको सर्जरी के बाद जो कोई निशान आ जाता है उसको ये रिमूव कर सकता है। कोई आपको चोट लगी थी उसका कोई निशान है तो उसको आप दूर कर सकते हैं इसको लगाकर, या टाँके डले हैं या उनको भी दूर कर सकता है, या बोला जाए तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार स्कैर आ जाती हैं उनको भी ये कम कर सकता है। जलने के बाद निशान छूट जाते हैं त्वचा पर, चमड़ी पर, तो उनको भी ये कम कर सकता है। तो ये सारे यूजेस हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कई लोगों की गलतफहमी ये होती है कि सुन लेते हैं और देख लेते हैं तो जाके ले आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि दोस्तों 6 महीने के अंदर का कोई भी जख्म के बाद का अगर घाव है तो वही ठीक कर पाता है ये जेल, उसके अलावा काम नहीं करता। आप सोचो कि आपको 4-5 साल पहले चोट लगी थी, सर्जरी हुई थी, जल गए थे तो वो निशान को गायब कर देगा, नहीं हो पाएगा, सीधी ही बात है। हाँ रिसेंटली है ये, 6 महीने का है, ताज़ा ताज़ा है, तो आप यूज़ कर सकते हो, काम करेगा, रिजल्ट 100% मिल जाएंगे आपको। बात करें अगर कंपोजिशन की तो कंपोजिशन उसमें दोस्तों उसमें PEG4 होता है, जिसे बोलते हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है, इसके अंदर एलियम सेपा है, वाल्व एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर जेंथम गम, एलोटोनिन है, मिथाइल पैराबेन है जो कि अंदर प्रिजर्वेटिव है एक प्रकार से, सॉर्विक एसिड है और कुछ फ्रेग्रेंस डाला गया, इसमें लेसेथिन भी है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, जितने भी इसके अंदर जो कंपोजिशन को ऐड किया गया है इनमें से कुछ तो स्किन को स्मूथ करते हैं, इसमें कुछ विटामिन को भी डाला गया है, विटामिन B5 को भी डाला गया। ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है, ड्राइनेस को दूर करता है स्किन की, और जो भी टेक्सचर बिगड़ गया है उसको लेवल में लेके आता है, ठीक है, स्किन के अंदर की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इस तरह से ये जो है काम करता है, टाइम लगाता है लेकिन काम करता है, रातों रात चमत्कार तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ सावधानियाँ भी होती हैं, जैसे कि इसको सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटर्नल यूज़ ही करना है, कभी भी खाना नहीं है, कान में नहीं डालना है, आँखों में नहीं लगने देना, ठीक, और हमेशा ठंडी जगह पर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, लेकिन गर्म चीज़ों से बचाना है उसको, ये चीज़ सावधानी है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं कुछ लोगों में कि भाई कुछ लोगों को सूट नहीं करता, तो उनको जलन पड़ने लगती है, त्वचा लाल लाल हो जाती है, खुजली चलती है बहुत तेज, इरीटेशन टाइप का होने लगता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए। अगर ऐसा ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर बंद करेगा, दूसरी चीज़ लिखेगा। लगाने का तरीका क्या होता है, देखो जब भी आपको जिस जगह पर लगाना है उसको पहले धो लो, साफ़ कर लो अच्छे सूखे कपड़े से, सूती कपड़े साफ़ कर लो, फिर वहाँ पर आपको मलना है, ये जो जेल है उसको, जेल को मला ही जाता है, क्रीम नहीं, एक लगा कर छोड़ दो, इसको मलना है अच्छे से और एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए स्किन, ठीक है। आप जो है लगभग 2 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, सुबह शाम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोशिश ये करो कि जब भी आपको चोट लगे या जब भी निशान बना, जब नई स्किन आने वाली है तो देख लो जल्दी से कि हाँ नया स्किन आने वाला है, अगर कोशिश हो जाए, पॉसिबल हो जाए कि जल्दी से जल्दी इसका यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और अगर लंबा पुराना हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैडर्मा क्रीम सॉरी जेल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस देखने के लिए। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।